ठंडी के दिनों में मुर्गी पालन में सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान रखने की, इसको आप ठंडी से बचाएं। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ऊनी का कपड़े पहनते हैं, तो मुर्गी में प्राकृतिक रूप से तो दिया हुआ है फेदर उसको ठंडी से बचाने के लिए, लेकिन ज़रूरी है जब फ्रॉस्ट या ड्राफ्ट जो बहुत ठंड हवा है वो अगर तेज़ी से इसके कमरे में घुसे पोल्ट्री हाउस में तो इसको लग सकती है सर्द। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हाउसिंग आप दे रहे हैं वो कंफर्टेबल हो, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। सेम टाइम आप एक जगह देखते हैं कि आप हवा से तो बचा लेंगे, ठंड हवा से बचाएंगे, लेकिन वेंटिलेशन नहीं होने से बिल्कुल इसमें एक दूसरी तरह की स्वास्थ्य की समस्या आ जाएगी। तो जहाँ भी मुर्गी पालन हो रहा है, चाहे वो केज सिस्टम में हो, चाहे वो डीप लीटर सिस्टम बिछाली प्रणाली में हो, या फिर बैकयार्ड पोल्ट्री हो, वहाँ ज़रूरी है कि आप उसको एक सुविधाजनक माहौल दें, ऐसा घर दें जिसमें बिल्कुल उसको टेम्परेचर से एक नियमित तापमान पर बनाए रखें और उसको वेंटिलेशन की सुविधा हो। जैसे यहाँ पर हम मुर्गी पालन में देख सकते हैं कि जो मुर्गियाँ हैं उसके ड्रॉपिंग्स यहीं गिरते हैं, उसके फीकल मटेरियल यूरिन सब, अगर वो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पर साफ़ हो जाए तो जो अमोनिया गैस रिलीज होता है उसकी समस्या कम होगी, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस कम होगा। ये ज़रूरी है हाउसिंग के लिए जहाँ आप मुर्गी पालन करते हैं। दूसरी बात है, आप इसको जो खाना दे रहे हैं उसमें एनर्जी की मात्रा बढ़ा दें, थोड़ा कोर्स ग्रेन्स मतलब दानेदार जो होता है मेज का टुकड़ा या फिर पीनट्स जैसा चीज़, ऐसे चीज़ को खाने में शाम के समय बढ़ा दें। और इसको लाइटिंग की आवश्यकता है, यदि प्रकाश जो है रेगुलर पर कम निकल ही नहीं रहा है धूप, तो ऐसी स्थिति में आपको अलग से आर्टिफिशियल लाइट, इसका ड्यूरेशन 12 से 14 घंटा इसको प्रकाश मिलना चाहिए, आप व्यवस्था करें। और धूप जैसे ही निकलता है खिड़की पर से पर्दा हटा दें ताकि धूप अंदर आए, हवा अंदर आए और इसमें जो भी नमी हो वो सारा सूख जाए। और अगर नमी बढ़ता है और नहीं सूख पाता है तो आपको चूना का इस्तेमाल करना चाहिए, फास्फोरिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह का कंटामिनेशन रोकने के लिए। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम इसके जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, जो बाहर से चिड़ियाँ आती है ये इसमें घुस सकती है, उसको रोकें, क्योंकि अभी ठंडी के दिनों में एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, बर्ड फ्लू। तो वो सारा बीमारी आता है बाहरी जंगली चिड़ियों या जंगली पक्षियों के द्वारा, जो अगर किसी तरह का आपके घर में मुर्गी के फार्म में कहीं छेद हो तो वो घुस करके यहाँ आप बीमारी पहुँचा सकता है।